नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं CBSE जो आपका बोर्ड है उसमें बेरिश टाइप की बहुत सारी पोस्ट आपकी निकली हैं, ऑनलाइन फॉर्म निकले हैं, ठीक है। तो उसके लिए वैकेंसी आपके कितने प्रकार की वैकेंसी हैं आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, टोटल आपकी 357 वैकेंसी हमने बताई है, ठीक है। तो उसकी एज क्या है, 40 ईयर मैक्सिमम एज है, मतलब अधिकतम 40 ईयर उम्र तक के व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकते हैं। और 2019 में बहुत अच्छी वृद्धि आपकी CBSE बोर्ड की तरफ से। तो देखते रहिए इस वीडियो को, बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में आपके लिए क्लियर होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं, सीधे ले चलते हैं आपको सीधे फाइनल नोटिस पर। अब इस नोटिस को अच्छी तरह से बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज ही, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और डेली आपको नई नई नौकरियों की अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहले इसमें डेट देख लीजिए, 15/11/2019 यहाँ पर डेट दे रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर ऑल इंडियन जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बेसिस जो होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपकी सैलरी भी दिख रही है, यहाँ पर आप पोस्ट देख सकते हैं, ठीक है। जैसे असिस्टेंट जो सेक्रेटरी है उसकी 15,600 से 39,100 प्लस GP, ठीक है, ग्रेड पे जो बोला जाता है 6,600 ग्रुप ए की नौकरी है। इसमें 40 साल की उम्र है, SC में एक वैकेंसी, ST में एक वैकेंसी, OBC में 3 वैकेंसी है, AWS 8, UR 8, मतलब आपकी टोटल 14 वैकेंसी है इसमें, ठीक है, 14 वैकेंसी इसमें। तो ऐसे ही देखते रहिए, आपको इसकी लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी PDF की, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और देखिए असिस्टेंट सेक्रेटरी है IT, ठीक है, इसकी है आपकी सैलरी सेम है, इसमें वैकेंसी है टोटल आपकी 7, ठीक है। और उम्र भी देख सकते हैं, जैसे उनमें 40 उम्र थी, इनमें 35 है, 30 है, किसी में 27 भी है, किसी में 30-27, देखिए ऐसे करके इसमें वैकेंसी है, ठीक है। और ये दूसरी तरह की वैकेंसी जी किसी टेबल है, ये वैकेंसी कौन सी है, अंडर PWBD, ठीक है। इसमें क्या है, जो ब्लाइंड वगैरह वो होते हैं, वो OL BL उनके लिए इसमें अलग से नौकरी निकली है, ग्रुप ए ग्रुप सी की दोनों की नौकरी है, ठीक है, इनके लिए उम्र वगैरह कुछ नहीं दिएगा। और देखिए ये कैटेगरी है, ये आपका डिसेबिलिटी दे रखा है 3, 2, 1, 4, ठीक है, वो आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो जो वैकेंसी ऊपर हमने बताई है, आपकी टोटल जो वैकेंसी 376 उतनी ही वैकेंसी है। जैसे सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें 5,220 या 5,200 आपकी फीस वो रहेगी तनख्वाह, मतलब आपकी सैलरी है। और GP ग्रेड में 1900 है, इसमें 204 वैकेंसी टोटल है आपकी, 27-30 करके ऐसे वैकेंसी हैं, 27 आपकी उम्र है इसमें, ठीक है। और नीचे देखते हैं इसमें और क्या क्या है, देखिए आप इसकी देखिए 15 तारीख से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आपके 16 दिसंबर तक फॉर्म चलने वाले हैं, फॉर्म आराम से भर दीजिए। रिजर्वेशन वगैरह उसकी कैटेगरी क्या है वो सब दे रखी है, उसके हिसाब से आप देखिए फॉर्म भरिए। और देखिए बेंचमार्क वगैरह दे रखे हैं जो डिसेबिलिटी के अंदर इसमें आ जाते हैं। अब इसमें और नीचे जाके देखते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह भी दे रखी है 18 से 27, जैसे इसमें देख रहे हो बैचलर डिग्री मांगी है उन्होंने कम से कम, और इसमें ये आपकी स्टेनोग्राफर की है, इसमें आपकी फीस 20,200 तक की है, इसमें 10 मिनट में और ये ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश और 65 मिनट हिंदी और कंप्यूटर दे रखी है, एज लिमिट 18 से 27 है, ऐसे करके सारी इसमें जानकारी दे रखी है, ठीक है। अब एज रिलैक्सेशन परमिसेबल है बियॉन्ड यहाँ पर दे रखा है पर, तो इसमें SC ST 5 साल का, OBC 3 साल का जो रिजर्वेशन है आपको आरक्षण मिलता है। अब बात करते हैं इसकी फीस की, तो फीस में लिखा हुआ है जो UR अंडर जॉब कैटेगरी के अंदर आते हैं, OBC EWS तीनों के लिए फीस है आपकी 1500 रुपये, ठीक है, ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी और सी के लिए आपकी 800 रुपये फीस है, और इनके अलावा फॉर SC ST PWD इनके लिए कोई फीस नहीं है, फॉर्म फ्री में भरा जाएगा। आपका मोड ऑनलाइन मोड है, आपको किसी भी ड्राफ्ट वगैरह किसी भी फीस नहीं भेजनी है। और इसमें गाइडलाइन दे रखी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड ये सेंट्रल पॉलिसी, अब यहाँ पर देखिए कंपलसरी जो टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर हावर और अदरवाइज एडवाइज जो है सेल भी परमिटेड फॉर द कैंडिडेट विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ठीक है, इसको मत देखिए आपकी। और देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल रहेगा वो भी दे रखा है, CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, 100 नंबर का है, ठीक है, इंटरव्यू में जो मार्क्स हो आपको 100 नंबर करनी। देखिए यहाँ ये असिस्टेंट किसका है, सेक्रेटरी का, इसमें उन्होंने क्या बोला है आपका 100 नंबर का है जनरल असिस्टेंट का असेसमेंट का, और डोमेन नॉलेज एंड ये असेसमेंट है 300 नंबर का, ऐसे करके आपका टोटल A+B 200-400 नंबर का पेपर रहेगा, ड्यूरेशन आपका 3 घंटे का, ठीक है, Stage 1 and Stage 2 = 500। अब फॉर देखिए सेकंड वाले के लिए आ जाता है, ये किसका है, सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपका फर्स्ट स्टेज MCQ,
पोस्ट है असिस्टेंट जो सेक्रेटरी आईटी। ऐसे इसमें सबके एग्जाम का अब उम्मीद रखा है, आपका एग्जाम सिलेबस कैसा रहेगा तो पूरी जानकारी तो हम नहीं बता पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं जैसी जानकारी चाहिए इस नोटिस में आपको मिल जाएगी। दोस्तों आपको ये नोटिस भी अच्छा लगा होगा, और जैसे यहाँ पर इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है, इन्होंने फॉर्म भी किया इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी जो है, एक से ज़्यादा अगर आपको कोई भी मतलब आपका अंग जो वो है दिव्यांग रूप से, तो उसके लिए आपको फॉर्म दे रखे हैं, फॉर्म भर सकते हैं आप। और नंबर ऊपर जाते हैं ऊपर, ठीक है, तो आपको ये नोटिस का नंबर है cbsc.rect.cell.advertisement.fa1/2019, ठीक है। अब इसको बताते हैं फॉर्म कहाँ से बनना है। देखिए ये इसकी लिंक है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इस लिंक का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो स्टेप दे रखे हैं, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करके दोबारा से लॉगिन आईडी डाल के ये भरना है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये फॉर्म भरना है, कोई कठिन फॉर्म नहीं है, आप सिंपल तरीके से भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, इस दोनों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और राम राम।